अब दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। कल पीएम नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे, जिसमें नए लुक के साथ कर्तव्य पथ भी शामिल होगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी शामिल है। नेताजी की मूर्ति से लेकर राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाली करीब 3 किलोमीटर की सड़क कर्तव्य पथ के नाम से जानी जाएगी। उद्घाटन से पहले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। इंडिया गेट का पूरा इलाका पतला पतला दिखाई दे रहा है। दिल्ली में नीतीश कुमार का मिशन 2024 तीसरे दिन भी जारी रहा। बिहार के सीएम ने आज एनसीपी के मुखिया शरद पवार से मुलाकात की और आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चा की। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टी को जनता से कोई मतलब नहीं है। उधर बीजेपी ने भी नीतीश पर हमला किया और कहा कि किसी को सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। आज नीतीश की दिल्ली यात्रा का अंतिम दिन है, लेकिन उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से मिलने जल्दी ही फिर दिल्ली आएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। केजरीवाल के खिलाफ 25,93,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने की शिकायत की गई है। ये शिकायत लोकायुक्त से होते हुए उपराज्यपाल के पास भेजी गई थी। आरोप है कि दिल्ली के सीएम ने 3 प्लॉट करीब 4.5 करोड़ रुपए में बेचे और कागजों पर इनकी कीमत मात्र 72,72,000 रुपए दिखाए। उधर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एलजी के लीगल नोटिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। मोदी कैबिनेट ने पीएम श्री योजना और पीएम गति शक्ति से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। पीएम श्री योजना के तहत 14,000 से ज्यादा केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को मजबूत बनाते हुए पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में करीब 20 लाख छात्र पढ़ाई करेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की जमीन के ज्यादा लंबे समय तक के लिए पट्टे पर नीति को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पुलिस स्टेशन में जमकर हंगामा किया। वो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंची थी। नवनीत ने आरोप लगाया कि लव जिहाद के मामले की शिकायत के दौरान उन्होंने पुलिस कर्मी को फोन किया था और उसने उनका फोन रिकॉर्ड कर लिया। इसी बात से वो नाराज हो गयी। उन्होंने गुस्से में अफसर से पूछा, रिकॉर्डिंग का हक किसने दिया। हरियाणा के हिसार में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल ने सोनाली फोगाट केस की जांच सीबीआई से कराने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा और गोवा में बीजेपी की सरकार है, फिर सीबीआई जांच की सिफारिश में क्या परेशानी है। उधर सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने एक बार फिर गोवा पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को 24 घंटे के भीतर लगातार दूसरी बार बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकी मारे गए हैं। दरअसल कल के एनकाउंटर के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मंगलवार को भी अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया था। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात की, लेकिन उज्जैन में हुए बवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने आज तक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अच्छा होता अगर दोनों सितारे महाकाल के दर्शन करते। उज्जैन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से रणबीर और आलिया को महाकाल मंदिर के बाहर से ही लौटना पड़ा था। इस बीच उज्जैन में हुए बवाल को लेकर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में इस बार भी दिवाली बिना पटाखों वाली होगी। दिल्ली सरकार ने अगले साल 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ये प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू होगी। पाबंदियों को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।